हेलो एवरीवन, क्या आपने कभी सोचा है आप चलती बस में या चलती गाड़ी में ब्रेक लगाने पे सामने क्यों गिर जाते हो, या तो फिर खड़ी हुई बस सडनली शुरू हो जाती तो पीछे क्यों चले जाते हो? कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी डे इन डे आउट लाइफ में होती है, बट हमें उसका रीज़न नहीं पता। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हम सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन में, जिसमें है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ ऑफ इनर्शिया, है ना। दिस इज अ बी पार्ट ऑफ द चैप्टर सीरीज, सो प्लीज कीप वॉचिंग टू सी द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, एंड दिस इज फॉर क्लास 9 CBSE एज वेल एज ICSE। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुचेता एंड आई एम योर फिजिक्स मैम, एंड टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड द इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द टॉपिक। सो बाइसिकल चलाते हो आप, है ना, सभी चलाते हैं, काफ़ी लोग चलाते हैं। तो आपने क्या एक्सपीरियंस किया, आप जब जब तक पेडलिंग कर रहे हो साइकिल कीप्स ऑन मूविंग, जैसे ही आप पेडलिंग करना स्टॉप कर देते हो, एज सुन एज यू स्टॉप पेडलिंग व्हाट विल हैपन, ब्रेक नहीं लगाना है, जस्ट पेडलिंग स्टॉप करना है, व्हाट यू फील, इट स्लोज डाउन, है ना, स्लो डाउन हो जाता है एंड देन इवेंचुअली स्टॉप्स। नाउ व्हाई इज इट स्लो डाउन, वी ऑल नो इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन दैट इट स्लोज डाउन। बट देन सपोज करो कि आपको एक बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सा सर्फेस दिया है, रोड दिया है जिसपे कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, तो डू यू थिंक दैट वंस यू स्टॉप पेडलिंग यू विल स्टिल स्लो डाउन और स्टॉप, विच मेक्स अस थिंक कि वॉट इज द कॉज ऑफ मोशन। इन द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर वी हैव सीन वॉट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, देयर वी डिफाइंड फोर्स इज अ कॉज ऑफ मोशन, है ना, फोर्स तो कॉज हो गया, बट डू यू थिंक दैट द फोर्स इज कंटिन्यूसली टू बी अप्लाइड टू कीप द बॉडी इन मोशन? येस वी थिंक सो एट टाइम्स, है ना, हम सोचते हैं कि नहीं यार नहीं चलाएंगे तो नहीं पेडल करेंगे तो रुक ही जाएगा साइकिल, रुक जाएगा बिकॉज फ्रिक्शन है। इमेजिन विदाउट फ्रिक्शन विल इट नीड दैट कंटिन्यूस फोर्स ऑफ यू नो फोर्स टू बी अप्लाइड फॉर द बॉडी टू कंटिन्यू द मोशन? इसी थॉट को गैलीलियो ने आगे स्टडी किया, ही डिड सम एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट ही फाउंड आउट कि इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द फोर्स टू बी अप्लाइड कंटिन्यूसली फॉर अ बॉडी टू बी इन मोशन, राइट। नाउ इफ दिस हैपेंस ओनली इफ द सर्फेस इज फ्रिक्शनलेस, मतलब आइडियल सिनेरियो सोच लो कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, देर इज नो ऑपोजिशन फॉर दैट मोशन, देन देर इज नो रीजन फॉर द बॉडी टू स्लो डाउन, राइट। तो गैलीलियो थॉट एंड ही डिड सम एक्सपेरिमेंट्स एंड ही फाउंड आउट दीज कंक्लूजन्स, सो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन मोशन। दैट मीन्स सपोज इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, एक बुक पड़ी है टेबल पे, काफ़ी दिन से पड़ी है, आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे हो, तो क्या वो बुक खुद उठ के आपके पास आएगी एंड से प्लीज़ प्लीज़ कम एंड रीड मी, और विल इट कम टू यू, और विल इट चेंज इट्स पोजिशन बाई इट्स सेल्फ? That will never happen, right? So if a body is in a state of rest, unless you pick it up or unless you apply the force to move it, the body is not going to move. तो बुक तो मूव ही नहीं करेगी जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। तो बॉडी, अब जैसे बुक के एग्जाम्पल ले लिया, विच इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कंटिन्यूज बींग इन द सेम स्टेट ऑफ रेस्ट अनलेस समबडी ट्राइज एंड मेक्स इट मूव फ्रॉम बाय अप्लाइंग अ फोर्स, राइट। सेम वे सपोज यू टॉक अबाउट अ बॉडी इन मोशन, जैसे मैंने बोला साइकिलिंग कर रहे हो, पेडलिंग कर रहे हो, आपको सर्फेस दे दिया है बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, कोई ऑपोजिशन नहीं, कोई यू नो रोड ब्लॉक नहीं, देयर इज नो स्पीड ब्रेकर, विल इट स्टॉप बाय इट सेल्फ? नो। विल इट चेंज द डायरेक्शन बाय इट सेल्फ? अगेन नो, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं है, एक बार पेडलिंग करा और छोड़ दिया। तो सपोज इफ अ बॉडी इज इन मोशन, विल इट इवन चेंज द डायरेक्शन बाय एनी चांस? डायरेक्शन चेंज के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा ना, वो हम नहीं लगा रहे। देन व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट इफ द बॉडी इज इन मोशन इट विल कीप मूविंग विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो जब बॉडी इन मोशन की बात करेंगे तो इट कीप्स मूविंग विद द सेम स्पीड एंड इन द सेम डायरेक्शन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशंस को न्यूटन स्टडीड फर्दर एंड पुट इट एज अ लॉ, विच नाउ वी स्टडी एज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ व्हाट दिस लॉ सेज,
यू लुक एट इट, आई ट्राई टू से द स्टेटमेंट एंड वाइल आई डू दैट आई ट्राई टू स्प्लिट इट इन टू पार्ट्स, है ना। मेमोराइज नहीं करना है इसको, याद कैसे रखेंगे, इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट करके याद रखेंगे, राइट। सो वॉट इज द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड If the body is in a state of motion, it will remain moving in the same direction with the same speed. ये एक part हो गया, right? And it will continue for as long. Till what time it will continue? Till the time an external force is applied on it. है ना? तो first part ये हो गया. If the body is in a state of rest, it remains in that same state. And if the body is in motion, मोशन के लिए आपको मेंशन करना है कि कंटिन्यूज इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, है ना। कब चेंज होगा? इट कंटिन्यूज द सेम अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, राइट। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो न्यूटन सेड दैट यस, बॉडी विल नॉट चेंज, बुक टेबल पर रखी है वो मूव नहीं करेगी जब तक कोई आके उसको उठाएगा नहीं फोर्स लगा के। साइकिल चल रहा है फ्रिक्शनलेस सर्फेस पे, नहीं रुकेगा जब तक कोई उस पर ब्रेक नहीं लगाएगा by exerting force. That is simple statement of the Newton's first law. अब जैसे मैंने ये बोला, ये statement is actually been split in two parts. First part which says if a body is in a state of rest, will remain in a state of rest, and if it is in motion, will remain moving with the same speed and the direction. ये part हम अलग कर देते हैं, इसको हम बोलेंगे inertia. Yes, inertia. And the remaining part again, unless an external force. So we are saying that, okay, it is the external force which is changing that state of the body, which is either a state of rest or motion, right? So this Newton's first law is actually split in two parts. First part defines what is inertia. The second part defines what do you mean by force. So what is inertia? हमने बोला कि यार book table पे रखी है वो वहीं पड़ी रहेगी, मतलब book खुद से तो move कर नहीं सकती, है ना। सो इट इज इट्स टेंडेंसी, एनी ऑब्जेक्ट यू टॉक अबाउट इट विल नॉट मूव अनलेस यू वॉन्ट इट टू मूव, राइट। नाउ हाउ वुड यू डू दैट? बाय अप्लाइंग द फोर्स। बट वॉट इज द टेंडेंसी ऑफ दैट बुक? द टेंडेंसी ऑफ द बुक इज टू स्टे एट रेस्ट, एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मूव करता रहेगा, that tendency or rather that property is called as inertia, right? So we'll see about the examples of inertia, kya kya hota hai, very interesting concept it is, okay, and kafi sare interesting examples bhi dekhne ko milenge. So understood what is inertia? It is the inherent property of any object to retain the state it is in. It could be state of rest or motion, hai na. Motion mein bas aapko mention karna hai ki uska speed change nahi ho raha hai. That means it is moving with the same speed and in the same direction. That's it. The second part says, what is force? Jo humne last section mein bhi dekha tha. It is an external cause which tends to change the state of rest or the state of motion of the body. Humne last isme dekha tha ki rigid, non-rigid body. Yahan pe hum consider kar rahe hai rigid body to change the state of either rest or motion of the body. Hai na? We'll not talk about non-rigid body here because we are talking about the लॉज ऑफ मोशन, है ना। तो वो वाला इफेक्ट जो चेंज इन शेप एंड साइज है वो इसमें नहीं डालेंगे, क्लियर। सो फोर्स इज एक्सटर्नल कॉज विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ द बॉडी। सो दीज आर द टू डेफिनेशंस एक्चुअली बीन इंक्लूडेड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो लेट अस सी इन डिटेल नाउ अबाउट इनर्शिया और अदर द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। जैसे आप एग्जाम्पल देख रहे हो कि चलो वेन विल द ऑब्जेक्ट चेंज इट स्टेट? When it has actually been applied with unbalanced force. Unbalanced force kya hota hai? Jaise you can see there is one, rock kept here, some object, heavy object. Ek banda yahan se force laga raha hai, dusra yahan se laga raha hai, with the equal magnitude but opposite direction. To kya ho gaya? Forces of equal magnitude, opposite direction will cancel out. So ispe net force kya ho gaya? Zero ho gaya. So if the body has been acted by the balanced forces, बॉडी विल स्टिल नॉट चेंज इट स्टेट। तो जब अनबैलेंस फोर्स लगाते हैं, मतलब ये दोनों भी एक साइड पे जाके अगर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो गया, इस तरफ से फोर्स जीरो है, इस तरफ से मैक्सिमम है। सो यू सी द ऑब्जेक्ट मूविंग, है ना, बॉक्स है, कुछ भी है, दैट मीन्स द फोर्स
इफ इट इज अनबैलेंस देन ओनली इट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. रिमेंबर ऑलवेज दैट, राइट. नाउ हियर वी कैन से द फोर्स, जो भी अनबैलेंस फोर्स है, वॉट ऑल थिंग्स इट कैन डू, द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, राइट. सो इट कैन चेंज द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी. मतलब इसको आप फुटबॉल का एग्जाम्पल देख लो, फुटबॉल ग्राउंड में एक पर्सन फोर्स लगा रहा है, किक कर रहा है, इट मूव्स, द अदर वन वॉन्ट्स टू मूव इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन विद अ ग्रेटर स्पीड, सो ही विल कम एंड किक द बॉल, राइट. सो इससे हम दो चीजें कर सकते हैं, वी कैन चेंज द डायरेक्शन, वी कैन ऑल्सो चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट. सो ऑल दिस इज हैपनिंग, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन हैपन्स इफ ओनली अप्लाइड विद एन अनबैलेंस्ड फोर्स, राइट. सो दैट्स अबाउट द फोर्स. नाउ वी विल सी इनर्शिया. जैसे मैंने बोला कि इट इज अ प्रॉपर्टी, टेंडेंसी, है ना. जैसे आपको बोलो यार कुछ लेके आओ शॉप में से, आप विलिंगली जाते हो, सब जाते हैं कि कुछ बच्चे जाते हैं कि हाँ चलो मम्मा को हेल्प कर देंगे, बट मैनी विल थिंक नो आई एम टायर्ड लेट मी सिट रिलैक्स, है ना, कुछ तो ऐसा बोलोगे. वॉट इज योर टेंडेंसी? टू नॉट गो देयर अनलेस योर मदर फोर्सेस यू टू गो एंड गेट समथिंग, है ना. तो ये क्या हुआ, ये आपका प्रॉपर्टी है कि आप कहीं नहीं जाओगे वाइल यू वॉचिंग टीवी, बट देन वॉट इज द एक्सटर्नल कॉज, योर मॉम इज फोर्सिंग यू टू गो, तो आप चले जाते हो, है ना. सो वॉट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इज बिकॉज ऑफ विच इट टेंड्स टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, और ऑफ वी कैन से रादर यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज मूविंग इन द सेम स्पीड, इट कीप्स मूविंग विद द सेम स्पीड. सो दैट टेंडेंसी और दैट प्रॉपर्टी वी टर्म इट एज इनर्शिया. हम बोलते हैं ना कि यार इतना इनर्शिया क्यों है टू चेंज समथिंग, वी वॉन्ट टू कीप द थिंग्स एज दे आर, वी डोंट वॉन्ट टू चेंज इट. सो देन द वर्ड इज यूज इनर्शिया. वाई इज देर सो मच इनर्शिया इन यू? दैट मीन्स यू डोंट वॉन्ट टू चेंज थिंग्स, यू वॉन्ट टू कीप देम एज दे आर, यू डोंट वॉन्ट टू चेंज द सिचुएशन. देर वी यूज द वर्ड इनर्शिया. तो उसका मतलब ऐसा ले सकते हैं, है ना. तो टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज और रेजिस्ट एनी चेंज इन द यूनिफॉर्म मोशन और इन अ रेस्ट. Yes, it is an inherent property. मतलब any object you talk about, it will have it by default, है ना. Inherent मतलब क्या है? By default उसमें ये property है. You talk about any object on the surface of earth or in the universe, it has that property. And it is dependent on the mass. More the mass, it will have more inertia, right? So mass is a measure of inertia. जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा उसका उतना इनर्शिया ज्यादा. मतलब रेजिस्टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ मोशन उतना ही ज्यादा रहेगा. सो ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज गोइंग टू बी द इनर्शिया. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट सेंटेंस टू अंडरस्टैंड. ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द इनर्शिया. जितना ऑब्जेक्ट का मास कम है उतना उसका इनर्शिया कम है. मतलब उसको मूव कराने में उतना ही कम फोर्स लगेगा. द बिगर द ऑब्जेक्ट द मैसिव द ऑब्जेक्ट देन you need to apply more force to change the state of that body. Yes, so the mass is the measure of inertia. So you can say jitna heavy object uska utna zyada inertia. So mass and inertia, how is the relation? They are directly proportional. Yes, so inertia is directly proportional to mass. We can say the relation in this terms also. Clear? So object will not change its motion unless acted by the unbalanced force. Jaise maine bola na कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी विल कैंसिल आउट. तो हमें क्या चाहिए? जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो अनइक्वल अनबैलेंस फोर्स चाहिए, एक ही साइड से चाहिए, है ना. तभी वो एक्ट करेगा एंड तभी वो बॉडी का स्टेट चेंज करेगा ऑफ रेस्ट और मोशन. यस, सो इफ इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इट विल रिमेन एट स्टेट. इफ इट इज बीन एक्टेड बाई द बैलेंस फोर्सेज, जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखा, राइट. एंड इफ इट इज इन मोशन विल रिमेन इन द सेम state having the same speed and the direction. So I can use the word same velocity also, because I said same speed, same direction. So speed with the direction is nothing but the velocity. So we can also relate it the same way, right? So jaise maine bola ki object ka mass kam hai to usko lagne wala force bhi kam hoga. Mass zyada hai to lagne wala force bhi zyada rahega. So that's a measure. The force that you apply is again depending on the mass of the object. Yes, to change the state of body. Correct? Okay. Chalo. Now I told you about the inertia concept. But inertia is of two types.
फर्स्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड द अदर इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ मोशन. सो व्हेन वी डिफाइन इनर्शिया वी से द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ आइदर रेस्ट और मोशन. सो आई इंक्लूडेड बोथ इन दैट राइट. बट अब मैं उसको सेपरेट करूंगी. आई विल ओनली टॉक अबाउट द बॉडीज विच आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. तो वो क्या चाहेंगे, वो चाहेंगे कि रेस्ट में ही रहे, है ना, रेस्ट ही करते रहे. सो दैट इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट. सो इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, वॉट आर द कीवर्ड्स, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. यस, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ना. जैसे आप कैरम खेलते हो, यू कीप अ पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स देयर और आप उसको स्ट्राइकर से स्ट्राइक करते हो, क्या हो जाता है उसमें. इफ यू सी द, जब ये स्ट्राइकर फोर्स लगा रहा है, द लोएस्ट कॉइन विल स्लाइड आउट. नीचे से बस वो स्लाइड करके निकल जाता है नीचे वाला और पूरा स्टैक नीचे बैठ जाता है, राइट. द पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स अगेन फॉल्स बैक एंड दे रिमेन इंटैक्ट. अब ये क्यों हो रहा है, जैसे आपने फोर्स लगाया विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्राइकर, इट गॉट इन कॉन्टैक्ट विद द लोएस्ट कॉइन, है ना, कैरम कॉइन, और उसका फोर्स इस पे ट्रांसफर हो गया और ये आगे मूव कर गया. बट बाकी जो कॉइन्स है, द कैरम कॉइन्स आर अनटच्ड बाय द फोर्स. सो व्हाट इज देयर टेंडेंसी, इफ दे आर नॉट एक्टेड बाय द फोर्स दे विल रिमेन एट रेस्ट. तो बिकॉज ये रेस्ट पे है, नीचे वाला निकल गया, तो क्या हो जाएगा, दे कम बैक टू द सेम स्टेट एंड स्टे देयर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. यस, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है ना. जैसे नीचे वाला स्लाइड हो जाएगा, ऊपर वाला वापस से गोइंग बैक टू द सेम पोजिशन बिकॉज दे वॉन्ट टू कंटिन्यू द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ इट. नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ये भी घर पर ट्राई कर सकते हो. नॉर्मल कार्ड ले लो, एम्प्टी ग्लास ले लो, उसके ऊपर एक कॉइन रख दो, फ्लिक द कॉइन, अप्लाई द फोर्स, फ्लिक द कॉइन, सॉरी फ्लिक द कार्ड, राइट. जब आप कार्ड फ्लिक कर रहे हो, ये कॉइन ग्लास में गिर जाता है. वाई दिस हैपन्स, नाउ वेन यू अप्लाई द फोर्स यू आर एक्चुअली अप्लाइंग द फोर्स ऑन द कार्ड. सो जिस पे फोर्स लगाया वो मूव करेगा, किस पे फोर्स नहीं लगाया, ऑन द कॉइन यू डिड नॉट अप्लाई द फोर्स, सो कॉइन विल फॉल डाउन बिकॉज इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू दैट स्टेट ऑफ रेस्ट. बिकॉज कार्ड निकल गया तो जगह कहाँ बची है, ग्लास के अंदर, सो इट फॉल्स डाउन देयर, राइट. सो दैट इज अगेन एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. यू ऑल कैन ट्राई दिस एट होम फॉर श्योर एंड यू विल एंजॉय डूइंग इट, है ना, राइट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. यू स्टैंडिंग, सपोज यू कमिंग बाय स्कूल बस, है ना, स्कूल से आ रहे हो, स्कूल बस में खड़े हो, स्कूल बस शुरू नहीं हुआ है, आपको यू नॉट अवेयर दैट ओके इट्स गोइंग टू स्टार्ट. यू आर जस्ट स्टैंडिंग होल्डिंग द हैंडल एंड ऑल ऑफ अ सडन द बस मूव्स फॉरवर्ड. जब ये बस फॉरवर्ड मूव करता है, व्हेन यू डू दैट द बस यू विल रादर फॉल बैकवर्ड्स. नाउ व्हाई डू यू फॉल बैकवर्ड्स, सिंपल एक्सप्लेनेशन है, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन दिस पोजिशन, बस फ्रेम अलॉन्ग विद योर बॉडी बोथ आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट. बट जैसे ही बस आगे मूव हुआ, क्या हुआ, आपका लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, बस का फ्रेम आगे मूव हो रहा है, देन लोअर पार्ट ऑफ बॉडी विच इज ऑल्सो इन कॉन्टैक्ट विद द बस फ्रेम, वो क्या हो गया, इसने मोशन शेयर किया विद द बस. तो बस का मोशन शेयर हुआ लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी एंड दैट स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड. बट आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इट वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द सेम. बट ऐसा तो होता नहीं कि हमारा नीचे वाला बॉडी पार्ट आगे चला गया एंड वी यू नो स्टे लाइक देयर ओनली, इट्स नॉट पॉसिबल. सो अगर आपके पैर कोई खींचेगा सामने से, तो डेफिनेटली यू गोना फॉल बैकवर्ड्स. सो दैट्स हाउ यू विल फॉल बैकवर्ड्स बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव्स फॉरवर्ड विद द बस फ्रेम और रादर द बस, isn't it? So this is also an example of your upper body continuing the state of rest. So this is example of inertia of rest. Jise some work you have to do, like your mom gave, okay, just do the dusting of this carpet. So you hang the carpet on the string, hai na, kahi pe hang kar dete ho, you beat it with a string, the stick, right? Now when you do that, kya ho jata hai, the dust particles will fall on the ground. Why are they falling on the ground? Because when they are attached with the carpet, the carpet along with the dust particles attached to it are in a state of rest. When you are hitting with a stick, what are you doing? You are moving the carpet front and back. But wo jo particles hai, they cannot, the dust particles cannot catch that movement at once. So kya ho jata hai? Because the carpet on which those were stuck on will move front, hai na? Aage piche jayenge, but wo dust particles kya hai? उनका बेस निकल गया तो वो सीधे नीचे गिर जाएंगे बिकॉज दे वॉन्ट टू कंटिन्यू द
स्टेट ऑफ रेस्ट, दे कांट गेट इन टू मोशन इमीजिएटली, राइट? सो दे विल फॉल बैक डाउन ऑन द ग्राउंड. सो दिस इज हाउ डस्टिंग ऑफ द कार्पेट इज डन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. फ्यू मोर. You shake the apple trees, apple fall down. Now, not all the apples will fall, okay? Only the ones which are ripe one, jinka stem or attachment weak ho jata hai because they've ripe, they've become heavier. So, when you shake the branches, kya ho jata hai? The branches go in a state of motion, but the apples or the fruit are still in the state of rest. So, jaise hi branch move karta hai, एप्पल्स क्या हो जाते हैं, उनका लिंकेज जो है वो टूट जाता है, दे फॉल डाउन बिकॉज दे कंटिन्यू द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट? वन मोर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन है ना. देखो, लीव्स विल फॉल डाउन लेटर, द पर्सन गोज डाउन. व्हाई दीज लीव्स आर इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, दे वॉन्ट टू कंटिन्यू दैट सेम, इजंट इट? सो इवन इफ द नेट गोज डाउन, द लीव्स आर स्टिल देयर. इट टेक्स टाइम फॉर देम टू रियलाइज दैट ओके, वी ऑल्सो हैव टू सेटल डाउन नाउ. That's also an example of inertia of rest. Now we talk about inertia of motion. The way we understood inertia of rest, body in a state of rest will continue that unless an external force applied. वैसे ही अब जैसे body already in motion would want to continue, or would it has a tendency to continue in the same direction with the same speed unless an external force is applied. Right, so body continuing the state of motion is the inertia of motion. Clear? Now examples देखते हैं ना. जैसे आप कार में बैठ के जा रहे हो, बस में जा रहे हो, in any vehicle for that matter, if you're traveling and the brakes are suddenly applied, what happens? You fall in front. Why do you fall in front? Example similar, why we fall backwards in inertia of rest. Now here think about, you along with the car are moving, right? Both are in a state of motion. When you apply the brakes, what happens? Car ka frame, rather the car and lower part of your body, because the brakes are applied, they come to rest. Yes, the lower part of your body along with the car frame, or rather the car, comes into state of rest. But upper body aapka abhi bhi wo motion catch nahi kar paya, so it wants to continue the state of motion, which was forward movement, right? So you eventually fall forward. That is why bolte na seat belts are mandatory. Why? Because considering all this, that the force will be pushing you forward, hai na, wo tendency kya rehta hai aage jane ka. So to restrict that, the seat belt is very necessary. And aajkal airbags hai, which are again a safety measure, yes, to stop that forward movement. Otherwise kya ho jata hai, aap seedha शीशे से बाहर निकल जाओगे, विच इज एब्सोल्यूटली नॉट सेफ, राइट? सो ऑलवेज यूज सीट बेल्ट्स एंड हैव यू नो द एयर बैग्स इन योर कार, दैट इज फॉर सेफ्टी ऑलवेज. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. वन मोर एग्जाम्पल, जिस एग्जाम्पल से हमने स्टार्ट ही किया था, यू पेडल द साइकिल, यूर साइकिलिंग बेसिकली, यू स्टॉप पेडलिंग, डू यू कम टू रेस्ट एट दैट इंस्टेंट? You will move forward for some duration, right? Some duration and some distance also. Kyun? Because body ka tendency kya hai cycle ka? To continue the same motion. But ab ye stop ho jata hai kyun? Kyunki frictional force hai, hai na? So the tendency of that bicycle, or even when you are running, all of a sudden you can't stop. You have to slow down and stop because the tendency, whatever it is in motion, whenever it wants to continue being in the same state. So that is why even if you stop pedaling, you will still move forward for some distance because of inertia of motion. If you've ever seen a person jumping from a running bus, okay, moving bus, so what they think, it's in slow speed, I might just get down. Yes, but very few successfully can get down. Now, what if you don't run? Okay, you would have seen people, while they get down, they have to run forward. Suddenly, if they come to rest, when you are in the bus, you are in a state of motion. So, whole body of yours is in a state of motion. It wants to continue the same. Aur wahan se aapne seedhe niche jump kiya. To kya ho gaya? Aapka lower part of body ekdam se motion se rest mein aa gaya. But then upper part still continuing the motion. Usko to wo register hi nahi hua hai motion se rest. To kya ho gaya? Aapka lower part of the body, aapka legs, feet came to rest all of a sudden, but your front upper part still in motion,
दैट इज वाई यू विल फॉल फॉरवर्ड. सो इफ दिस इज बी हैज टू बी डन सक्सेसफुली, यू आर सपोज टू रन फॉर अ फ्यू स्टेप्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द बस, क्योंकि आपको मोशन कंटिन्यू करना है, देन स्लो डाउन करके देन यू हैव टू स्टॉप. राइट, दिस इज हाउ द यू नो इफ यू आर केयरलेस यू विल डेफिनेटली फॉल डाउन, बट इफ यू अंडरस्टैंड द लॉ बिहाइंड इट, द रीजन बिहाइंड इट, नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट फॉल. रादर नॉट टू ट्राई दैट एट बेस्ट, बट अगर आप देखते हो किसी को ये कर रहा है तो यू शुड बी टेलिंग देम दैट बी अवेयर, ओके हाउ यू शुड गेट डाउन. फ्यू स्टेप्स यू हैव टू रन इन द सेम डायरेक्शन एज द बस इज मूविंग. राइट, वाइल यू हैव टू टेक अ जम्प, है ना, लॉन्ग जम्प वगैरह, यू वुड हैव सीन द एथलीट्स हैव टू रन एंड देन टेक द जम्प. वाई? बिकॉज यू हैव टू कवर फर्स्ट थिंग इन अ लॉन्ग जम्प, कवर लॉन्गर डिस्टेंस. दैट हैपन्स वेन यू आर ऑलरेडी इन मोशन. राइट, सो इट इज ईजी टू जम्प फार और रादर कवर अ डिस्टेंस वेन यू आर इन मोशन. सो सिंपली जस्ट फ्रॉम हियर टू देयर इफ यू जम्प, यू विल नॉट गेट अ लॉन्ग जम्प. फॉर दैट इफ यू आर इन मोशन इट इज ईजी टू मूव इन फ्रंट एंड देन कम टू रेस्ट. So that's how the athletes actually have to run before doing the long jump. Suppose you're moving in a bus or train or you're carrying a ball. You throw a ball, it comes down in your hand. How is it coming down? You think that it's the ball is in a state of rest or it is in a state of motion. So when you're moving in, you know, a train along with the, you know, the football, as you can see here, how it is coming back to the thrower's hand. Because while you are in motion, though we see that, okay, the ball is not moving in front of you, but there is a relative motion, okay. You along with the ball, both of you are in a state of motion already. So when the train is moving forward, aapke saath wo ball bhi aage move kar raha hai. So when you throw it and you catch it, you actually get it in your hand back. This is because it has the inertia of motion. Along with your body, the ball is also in motion and it wants to continue the same. So it comes back to your hand only, right? So let us see if you can answer a few questions. You can take a screenshot if you want. State and explain law of inertia. Yes, we've seen body in a state of rest would want to continue the same and in motion will continue the same, right? Unless an external force is applied. Now, qualitative definition of force on the basis of Newton's law. हमने देखा है क्या था definition? It is the external cause which changes the state of rest or motion of the body. What are two kinds of inertia? We've just seen the examples. Yes, inertia of rest and inertia of motion. And give reason of a person falling when he jumps out of the moving train. We just discussed moving train ho, bus ho. For that, the explanation remains same. They want to continue the state of motion. I hope the topic I covered today was clear to you and I hope you really liked the video. And if you liked it, please do subscribe to my channel and share it to everyone around. Thank you so much. Bye-bye.